ऋषिकेश लगातार आप भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, पैदल भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को कांग्रेस तैयार कर रही है 9 राज्यों के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए, तो उधर प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया। कल कर्नाटक में उन्होंने फ्री के कई वादे किए हैं। बिल्कुल विप्लेस, मैं यही सवाल यहाँ के आम कार्यकर्ताओं से पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि फ्री की रेबड़ियाँ जो बांटी जा रही है, प्रियंका गांधी ने कहा 2000 रुपये देंगे सभी महिलाओं के खाते में, यहाँ 1000 रुपये की बात आ रही है, इससे राजनीति में नुकसान आम जनता का या राजनीतिक पार्टियाँ वोट के लिए कर रही है? ये सभी का नुकसान है, सभी का नुकसान है इसमें। लेकिन इसके मैं ये बताता ना, जो अभी हमने इधर पंजाब में किया था, जो आम आदमी पार्टी ने किया था कि 1000 रुपया हर एक महिला को देंगे, एक साल हो गया है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई, अभी तक तो कुछ नहीं उन्होंने दिया। लेकिन आपने भी तो यही किया है ना? हमारी तो सरकार नहीं बनी ना, हमारी तो सरकार कर्नाटक में हिमाचल में जी इसका असर है। हिमाचल में हमने ओपीएस का वादा किया था तो वो तो पहली कैबिनेट के में कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। ये बताइए कि जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है आप लोग, क्या ये वोट के लिए हो रहा है या फिर ये जरूरत है? कौन रेवड़ियाँ बांट रहे हैं? आपने जो बार बार प्रियंका जी करी कि 2000 रुपया खाते में देंगे, यहाँ आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपया कहा। आज इस समय देश के अंदर महंगाई है, सिलेंडर 1100 रुपये का 1100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन आया, नोटबंदी आई, नोटबंदी के बाद से लोगों का व्यापार तबाह हो गया, लोगों के घर में आज पैसे नहीं है। मोदी जी है, अरे भैया लोग सवाल ये है कि जो 2000 रुपये 1000 रुपये 5000 रुपये जो स्कीम बांटे जा रहे हैं, क्या वो वोट के लिए है या फिर जरूरत है देश? सवाल ये है, देश की जरूरत है। जब मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं तो वो अगर देश की जरूरत है, तो अगर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर देश के अंदर आती है और देश के प्रदेशों में आती है और कांग्रेस अगर लोगों को आर्थिक मदद करना चाहती है तो इसको आप रेवड़ी नहीं कह सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी ने शुरू से देश के लोगों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना लागू करी थी, चाहे मनरेगा हो, चाहे जो राशन हो, जो आज लोगों को राशन मिल रहा है, अंगूठा लगा के राशन मिलता है, पहले कालाबाजारी होती थी, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने जो है, देखिए विप्लेश दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अब से थोड़ी देर के बाद हिमाचल का प्रदेश का शुरू होगा और वहाँ से तकरीबन ये यात्रा गुजरेगी। राजीव शुक्ला जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और सबसे ज़्यादा स्वागत वहीं होगा, क्योंकि हाल के दिनों में जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, 1000 रुपये हर एक महिलाओं के खाते में देने की बात की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी यहाँ ऐलान कर दिया है अप्रैल महीने से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, लेकिन अभी देखिए वन पेंशन वन रैंक को लेकर, इसको लेकर रेवड़ियों की बात कर रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी से कुछ प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि फंड नहीं है सरकार के खाते में, बावजूद उसके एक पर एक ऐलान कर रही है, इसीलिए वो बेहद नाराज है। इसका भी ऋषि के जवाब ढूंढने की ऐलान किया गया, उसके हक की चीजें उनके पास नहीं पहुंच रही है, वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन ये फंड आएगा कहां से? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।